नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया इस वक्त की टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। आज गुयाना के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 1967 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली यात्रा। टैरिफ फंडिंग केस में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला हाईकोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला। 23 नवंबर तक नोएडा के सभी स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला। पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा में गोलीबारी, 9 आतंकी और 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते डीओ और जेएनयू में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान। संसद के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। सपा ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र, का नकाब हटाकर चेकिंग से असहज है मुस्लिम महिलाएं। G20 समिट में पीएम मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। गुजरात के भेरूच में हुआ भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली की हवा हुई और ज्यादा जहरीली, कई इलाकों में 500 पहुंचा AQI। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।